फ्रेंड नमस्कार, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबुदाना उपमा। तो इसके लिए सबसे पहले स्टोव ऑन कर दे और उसमें कढ़ाई चढ़ा दे। उसके बाद उसमें 2 स्पून तेल डाल दे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डाल दें। जीरा चटकने लगे सौंफ डाल दें। सौंफ के बाद थोड़े से चने डाल दें, चना दाल डाल दें। फिर एक हरी कटी मिर्ची डाल दें और इन्हें अच्छी तरह चलाएं। अब इसमें थोड़े से सब्जी डाल दें। सब्जी में मैंने आलू और गाजर की सब्जी ली है। अब इसे भून लें। अब हमारा सब्जी पक चुका है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़े से हल्दी डाल देंगे और करी पत्ता डाल देंगे। अब इसमें साबुदाना, जिसे मैंने रात भर पानी में भिंगो कर रखा है, उसे डाल देंगे। यहाँ मैंने 1 कप साबुदाना लिया है। और इसे चलाएंगे। इसे 2-3 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा यह साबुदाना उपमा तैयार है। अब हम इसमें थोड़े से पीनट का चूरा डाल देंगे और इसे चला लेंगे। अब लास्ट में धनिया पत्ती से गार्निश कर लेंगे और सर्व कर। अब हमारा यह साबुदाना उपमा सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने दोस्तों को खिलाइए। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।